Hello and welcome to Olive Board and very good evening to all of you. Hi, my name is Shefali Rathore और आज हम SSC CPO Tier 1 की एक बहुत स्पेशल क्लास को करने जा रहे हैं, ठीक है? तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इससे जुड़ पाए और देन आफ्टर आप SSC CPO को भी इसको इस वीडियो के थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अवेल कर सकते हैं, ठीक है? आई होप सो आपको मेरा ऑडियो एंड वीडियो परफेक्टली ओके है, एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन और हम शुरू कर सकते हैं अपनी क्लास को, राइट? हाय, गुड इवनिंग एवरीवन. ओके, चलिए सो हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को और GKGS में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है वहां से हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है? तो जैसे कि आप लोगों के एग्जाम की डेट थोड़ा सा एक्सटेंड हुई है सो डेफिनेटली आप पे एक सही बफर टाइम आपको मिला है ना, और उस बफर टाइम को सही यूटिलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप एक रिविजन के तौर पे डेफिनेटली इस बैच को यूज कर सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को भी अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो भी डेफिनेटली आप इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे यहां से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट से. तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक जर्नी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. जब भी आपको ऐसे क्विक बेसिस पर कुछ भी कंटेंट पढ़ना है, क्विक बेसिस पर आप इसे बेसिकली पढ़ना चाह रहे हैं, तब आप हमेशा एक रिवीजन तौर पर टाइमलाइन फॉलो करोगे, ठीक है? टाइमलाइन से या फ्लो चार्ट से जितना ज्यादा कंटेंट आप ले सकते हो उतना आपको नॉर्मल रिविजन करने में नहीं मिलेगा, ठीक है? तो टाइमलाइन जैसे कि आपको यहां पर भी मेरी स्लाइड में भी दिख रहा होगा, ये आपका बेसिकली एक प्रॉपर टाइमलाइन होता है जो कि मैंने डिफाइन किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के केस में या कहिए आपके संविधानिक सभा के रूप में, राइट? हेलो रितेश, हाय. नहीं नहीं अभी नहीं रितेश, ये SSC CPO का क्लास है, ठीक है? तो वो अभी नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगा हालांकि. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहां देखिएगा, सबसे पहले 1934, तो एक थोड़ा सा और पीछे अगर आप चलते हो तो भाई भारतीय जो थे या इंडिया जो था वो उस समय ब्रिटिशर्स के अंडर था. धीरे धीरे भारतीयों ने अपने हक, अपने राइट्स, अपने फंडामेंटल राइट्स, अपनी चीजों के बारे में लड़ाई लड़ी और एक टाइम के बाद अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि भैया आप भारत में बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रुक सकते. जैसे आपका बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर 1757-1764, ये दोनों युद्धों के बाद ये बात तो क्लियर हो गई कि अब बहुत ज्यादा दिनों तक भारतीयों का जो राज है वो तो नहीं हो पाएगा बल्कि अंग्रेज अब रूल करेंगे. लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि अब हम भारत में बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रुक सकते और वो टाइम था 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट या कहिए भारतीय भारत छोड़ो आंदोलन. भारत छोड़ो आंदोलन के बाद से चीजें थोड़ी सी कन्वर्ट हुई, चीजें चेंज हुई और हमें समझ में आया कि हमारा इंडिपेंडेंट होना, हमारा स्वतंत्र होना, स्वतंत्र भारत का अपना एक संविधान होना, ये बहुत जरूरी है. 1934 हालांकि उससे पहले ही M.N. रॉय वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के फ्रेमिंग की बात करी थी. देन आफ्टर आपके 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिहाफ पर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन का प्रस्ताव रखा था जिसमें केवल भारतीय होंगे ऐसा भी कहा था. 1942 यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले क्रिप्स मिशन भारत आ गया था लेकिन क्रिप्स मिशन को भारतीयों ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस के बेसिस पर था. फाइनली उसके बाद आपके 1946 में आपका जो कैबिनेट मिशन प्लान था, कैबिनेट मिशन योजना थी, वो भारत आई और उन्होंने भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389 मेंबर्स की एक संविधान सभा का जो गठन था वो गठन उन्होंने करवाया. हालांकि यहां पे इनका काम खत्म हो गया. धीरे धीरे हमने अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट करी, अपनी चीजों को शुरू किया तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक करी गई जिसमें
आपके सच्चिदानंद सिन्हा को हमने अस्थाई अध्यक्ष बनाया। उसके बाद सेकंड मीटिंग हुई 11 दिसंबर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच सी मुखर्जी जैसे लोगों को परमानेंट हेड और डिप्टी हेड बनाया। डी एन राव को संविधानिक सलाहकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया। 13 दिसंबर 1946 को एक और मीटिंग होती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसको कि बहुत दिन तक उस पर रिकमेंडेशन हुई, उस पर आपके चर्चाएं करी गई। और 22 जुलाई 1947 को हमने उस ऑब्जेक्टिव बिल को कन्वर्ट कर दिया, कैसा, प्रियम्बल के फॉर्म में या कहिए प्रस्तावना के रूप में। धीरे धीरे करके फाइनली 26 नवंबर 1949 को आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, आपका पूरा संविधान जो था वो बन करके तैयार हो गया। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनने में करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय 64,64,00,000 रुपए के खर्च के साथ पूरा किया था। इसी के साथ हमने 8 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोरो किया था या कुछ इस तरीके से हमने लिया था। तो 8 कंट्रीज आपके बेसिकली, जैसे ब्रिटिश हो गया, साउथ अफ्रीका जहां से हमने संविधान संशोधन लिया, यूएसए जहां से हमने राष्ट्रपति उनको हटाने का इंपीचमेंट प्रोसेस ये सब लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जहां से 70% कॉन्स्टिट्यूशन हमने बोरो किया है, कैनेडा जहां से हमने अवशिष्ट विधायी शक्तियां ली हैं, ठीक है, यूएसएसआर जहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं, जर्मनी जहां से हमने इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड होने वाले फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविजन होता है वो लिया है, फ्रेंच लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी जैसे वर्ड्स जो प्रीएम्बल में आते वो लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची जैसे शब्दों को लिया है, आयरलैंड डीपीएसपीस लिए हैं, जापान फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिया है। तो इस तरीके की चीजें जो है, ये जस्ट एक रिवीजन है, डोंट वरी, इस तरीके की जो चीजें थी वो हमने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमने अलग अलग देश है वहां से ली। इसके बाद हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया या जो कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके 395 आर्टिकल यानी कि 395 अनुच्छेद, ठीक है, 8 शेड्यूल या 8 अनुसूचियां और 22 पार्ट्स 22 भाग जो थे वो बेसिकली शामिल किए थे, ठीक है। मतलब ये कि ये हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ये हमारा एक मूल संविधान था, ठीक है। बाद में हमने साउथ अफ्रीका से क्या बोरो किया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या कहिए संविधान संशोधन। जब हमने ये संविधान संशोधन बोरो किया था तो इसका क्या मतलब था कि भाई ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो आपका मूल संविधान है, अगर इसमें कोई भी चेंजेस कराने चाहते हो, इसमें अगर आपको कुछ भी चीज ऐड करनी है हटानी है तो इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया से आप ये कर सकते हो। तो हमने जब भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान संशोधन किया जा सकता है, पहला क्वेश्चन, हां, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मूल संविधान में संविधान संशोधन किया जा सकता है। कैसा, वो नकारात्मक नहीं होना चाहिए यानी कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्लियर। कौन कर सकता है, पार्लियामेंट, संसद कर सकती है, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको एक बेसिक बता रही हूं, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी अभी हम लोग जो है वो करेंगे। तो
इस क्लास का जो पैटर्न रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि जो थ्योरी है वो थ्योरी और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम लोग करते जाएंगे, क्योंकि अब आपका आपको एक महीने का एक्सटेंशन मिला है, तो इस टाइम पे जितनी प्रैक्टिस रिवीजन के साथ करोगे वो एक सही एक राइट अप्रोच होगी आपकी तैयारी के लिए। क्लियर है? ओके, यहां देखिए, सो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला प्रोसेस जो है वो हमने किया और कुछ चेंजेस भी हमने संविधान में जो है वो आपके किए। ठीक है, इसके बाद जैसे प्रीएम्बल बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रीएम्बल जो आप लोग पढ़ते हो कि भाई प्रीएम्बल में सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा कि बताइए प्रीएम्बल जो है वो किस वर्ड से स्टार्ट होती है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से जो है वो आपकी प्रीएम्बल स्टार्ट होती। कभी कभी क्या करते हैं आपसे पूछते हैं इन वर्ड्स को लाइन से लगाओ, जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, इन वर्ड्स को लाइन से लगाइए तो आपके वो यहां पर मिलेंगे। देन आफ्टर प्रीएम्बल में जस्टिस कितने प्रकार का है, तो जस्टिस तीन प्रकार का है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। ठीक है, लिबर्टी कितनी है, लिबर्टी थॉट ऑफ एक्सप्रेशंस की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, ये सब आपकी लिबर्टी है। इक्वालिटी किस चीज की है, स्टेटस की, बेसिकली अपॉर्चुनिटीज की, इन सब की इक्वालिटी है। फ्रेटर्निटी, ये सारा चीज आपके एक प्रीएम्बल में प्रस्तावना में मिलता है। जब भी आप प्रीएम्बल जैसे पढ़ रहे हो या पढ़ोगे, जैसे मैं भी आगे कराऊंगी इसको, तो इसके जो केसेस है, इसकी जो कॉन्ट्रोवर्सीज है वो कभी मत छोड़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सारा पार्ट आपका एड ऑन होता जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब जैसे ही अपन कॉन्स्टिट्यूशन में आगे बढ़ेंगे तो अब आपके पार्ट्स का डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। तो पार्ट्स में सबसे पहले आपका जैसे पार्ट वन की अगर मैं बात करती हूं, तो पार्ट वन है आपका स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, पार्ट टू की अगर मैं बात करती हूं तो पार्ट टू में आपके आता है सिटीजनशिप या नागरिकता। पार्ट थर्ड की अगर मैं बात करती हूं तो पार्ट थर्ड या कहिए कॉन्स्टिट्यूशन के भाग तीन में आपके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 यानी कि 12 से लेकर के 35 तक डिफाइन होते हैं। तो एक ये वाला जो सेक्शन है ये भी इवन आपको पढ़ना होता है। क्लियर है? इतनी स्टोरी समझ में। तो अब इसमें जैसे आपका राइट टू इक्वालिटी, ये हो गया आपका पहला फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक आप इसको पढ़ते हो। फिर आता है आपका राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19-22 तक पढ़ते हो। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक पढ़ोगे। देन आफ्टर आपके राइट टू बेसिकली फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये होगा आपका फोर्थ फंडामेंटल राइट, आपके आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आता है। फिर आता है आपका बेसिकली फिफ्थ फंडामेंटल राइट, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आपके आएगा आर्टिकल 29-30 के अंडर में आएगा। और फिर आता है सिक्स्थ फंडामेंटल राइट, संविधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट वाला पार्ट भी आपको एक बार इसमें देखना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, देन आफ्टर तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में आपके जब ये राइट्स की बात हो रही थी ना, जब इन अधिकारों की बात हो रही थी, तो इन अधिकारों की बात करते टाइम ये कहा गया कि भाई दो राइट बनाइए, दो प्रकार के राइट्स बनाइए, एक जो जस्टिशिएबल होंगे यानी कि विवाद योग्य होंगे, और एक जो नॉन जस्टिशिएबल होंगे यानी कि अविवाद योग्य होंगे। तो भाई फंडामेंटल राइट, जिन राइट्स को हमने कहा कि अच्छा ये राइट्स हैं, ये अधिकार हैं, पर ये जस्टिशिएबल होंगे, हमने उनको रख दिया फंडामेंटल राइट में। और ऐसे अधिकार जो नॉन जस्टिशिएबल है, जो अविवाद योग है, उनको हमने रखा कहां, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी की अगर मैं बात करती हूं तो ये आपके बेसिकली आता है पार्ट फोर में, और आर्टिकल 36-51 में आपके ये पार्ट आएगा।
डीपीएसपी से भी एक बहुत अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो निकल करके आता है, या बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो ये डीपीएसपी वाला पार्ट भी आपको इसमें कवर करना पड़ेगा। ओके, आगे देखिएगा। हेलो, आइए। अच्छा, चलिए अब एसएससी सीपीओ के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपके आते हैं, या क्या पैटर्न जो है वो अभी तक सीपीओ फॉलो कर रहा है, और उसी की तर्ज पर हमारा ये जो बैच है, इस बैच में हम लोग अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लियर है? 36 से 52 नहीं, 36 से 51 आप बोल सकते हो, 36 to 51। ओके, ठीक है, तो कुछ पार्ट्स में अपन लेंगे। देखो, एक क्लास में पूरी पॉलिटी कवर करना इज नॉट इजी, है ना, आप कर भी नहीं पाओगे, कोई मतलब भी नहीं होगा, आप बहुत जल्दी 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 चीजों को पढ़ेंगे, उससे ज्यादा अच्छा है कुछ सेक्शन में डिवाइड करो, टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चंस देखो, और रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों चीजों को एक टाइम पे कैरी कर लो। ठीक है, ओके सूरज, ठीक है, क्लियर इतनी बात। चलिए हम यहां से बात करते हैं क्वेश्चंस की, और देखते हैं कि भाई हमारे पहले क्वेश्चन और अन्य क्वेश्चंस जो है वो क्या है। तो सीपीओ के जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे तो वो थोड़े से लेवल में रहे, ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस रहा, यानी कि आपको या तो स्टेटमेंट से क्वेश्चन मिला है या फिर पार्लियामेंट की चीजों से क्वेश्चन मिला है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन सीपीओ ने काफी टारगेट किए हैं, तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज को मैं आपको उसमें दिखाती हूं, और कुछ ऐसे से ही क्वेश्चंस हम अपने इस बैच में भी करेंगे। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के मूल आधार के विरुद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इन इंडिपेंडेंट इंडिया गोज अगेंस्ट द वेरी बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी? करिएगा आंसर। आपके ऑप्शन है कास्ट सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, पार्टी सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीपीओ 2012 का है। करिएगा आंसर, क्या लग रहा है? Any idea about this question? Okay, correct answer करते हैं, और correct answer होगा आपका caste system is a right answer। ठीक है, तो भाई आपका जो स्वतंत्र भारत था उनमें लोकतंत्र के मूल आधार के खिलाफ जो बेसिकली एक काम हुआ था वो आपके कास्ट सिस्टम पर हुआ था। आर्टिकल 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, कलर, जेंडर एक्सेट्रा, यानी कि जाति, धर्म, भाषा, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में नहीं जाता है, हालांकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों से होने वाले जो भी भेदभाव है उनको हम बैन करते हैं, निषेध करते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2012 का है और कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द चेंज इकोनॉमिक सिस्टम रिजल्ट इज इनवेटेबल चेंज इन। कार्ल मार्क्स के अनुसार आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अपरिहार्य परिवर्तन होते हैं। बताइएगा किसमें? केवल पॉलिटिकल सिस्टम में, केवल सोशल सिस्टम में, केवल पूरा सिस्टम में, या फिर रिलीजियस सिस्टम में? करिएगा आंसर।
ओके हम लोग यहाँ पे आंसर करते हैं एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द एंटायर सिस्टम. तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से अगर जरा सा भी आर्थिक व्यवस्था में चेंज आता है या परिवर्तन आता है तो उसके जो चेंजेस है वो आपको पूरे सिस्टम में दिखाई देते हैं, क्योंकि भैया फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जो हर चीज को होल्ड भी कर सकता है और जो हर चीज को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द इलेक्शन. नहीं, क्वेश्चन टफ नहीं है, मैंने बोला ना सीपीओ ज्यादातर थियोरटिकल क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा बल्कि एक लंबा सा स्टेटमेंट बना करके फिर क्वेश्चन पूछता है. कह रहा है चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना है. अब बताइए इनमें से वो किस चीज में है, कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान में निर्धारित की है ये आचार संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में है ये आचार संहिता, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश किया जाता है, या फिर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच एक स्वैच्छिक समझौता हो जाता है आचार संहिता को लेकर. कर पाएंगे क्वेश्चन, क्या लग रहा है, ठीक है करेक्ट आंसर करते हैं. तो चुनाव के दौरान जितने भी राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के लिए जो आचार संहिता फॉलो होती है वो बेटा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही निर्धारित करी गई है. तो आपका करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ सिटीजन कैन डायरेक्टली मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो भाई आपको पता है कि एक नागरिक अगर उसको उसके मौलिक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. अब बताओ किस आर्टिकल से, ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे आप. देखो रितेश का आंसर भी आ गया, वेरी नाइस. ठीक है और कोई, सही है. सो आर्टिकल 32 बिल्कुल सही आंसर होगा आपका. आर्टिकल 32 के हिसाब से एक व्यक्ति जिसे उसके मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चला जाता. अच्छा अब सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये आपका उच्चतम न्यायालय, सॉरी ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट है या जो उच्चतम न्यायालय है ये इशू करता है, इशू मतलब जारी कर सकता है क्या रिट्स, या आप हिंदी में बोलो लेख. ठीक है, कितने प्रकार की होती है लेख, कितने टाइप ऑफ रिट्स को डिफाइन किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, कोई बताएगा कितना टाइप ऑफ रिट्स आता है इसमें. वन टू फोर फाइव, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फाइव. तो पांच प्रकार के रिट्स सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के हिसाब से जारी कर सकता है. वो पांच रिट्स कौन कौन से होंगे, तो पहला है हेबियस कॉर्पस. आप इसको हिंदी में कहते हो बंदी प्रत्यक्षीकरण. ठीक है, दूसरे रिट की अगर मैं बात करती हूं तो दूसरा रिट आपका होगा मैंडमस, और आप इसे हिंदी में कहते हो परमादेश. ठीक है, देन आफ्टर
थर्ड रेट की अगर मैं बात करती हूं तो थर्ड रेट है आपकी प्रोहिबिशन, ठीक है, और आप इसे हिंदी में कहते हो निषेधाज्ञा, ठीक है। देन आफ्टर फोर्थ रेट की अगर मैं बात करूंगी तो फोर्थ रेट है आपकी सेरेटोरी, हिंदी में कहोगे उत्प्रेषण लेख, ओके। और फिफ्थ रेट की अगर मैं बात करती हूं तो आपकी फिफ्थ रेट होगी क्वावरेंटो, आप इसे हिंदी में कहते हो अधिकार प्रच्छा, ठीक है। तो ये रेट आपके सुप्रीम कोर्ट इश्यू कर सकता है। अच्छा, यही सेम रेट आपके जो वो है हाई कोर्ट्स वो भी जारी कर सकते हैं आर्टिकल 226 या आपके अनुच्छेद 226 के हिसाब से, क्लियर है बात सुन भाई। इनमें से कोई एक रेट आपको पूछनी तो नहीं है, या कोई डाउट हो किसी रेट के रिगार्डिंग तो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, भारत के निम्नलिखित मौजूदा राष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। मौजूदा उपराष्ट्रपतियों में, यानी कि वो उस समय पर वाइस प्रेसिडेंट थे, करिएगा आंसर। ये क्वेश्चन भी आपका सीपीओ का ही है, ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली हम लोग सीपीओ में करेंगे, ठीक है। तो इस कोर्स में अपने आप को एनरोल करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दिया है। हेलो रिया जी, ओके, चलिए याद देखिएगा, करेक्ट आंसर करते हैं, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। तो भैरव सिंह शेखावत आपके वो उपराष्ट्रपति, वो वाइस प्रेसिडेंट रहे जिन्होंने प्रेसिडेंट पोस्ट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, जिन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था लेकिन वो हार गए थे, ठीक है। अब अगर आपको मैं इसमें राधा कृष्णन जी का नाम बोलूं तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो है ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, साथ ही साथ लॉन्गेस्ट सर्विंग, लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट में भी इनका नाम और एक हामिद अंसारी जी जो है इन दोनों का नाम आता है। वीवी गिरी बेटा एक ऐसे व्यक्ति रहे जो वीवी गिरी के केस में आप ये बोलोगे कि ये एक ऐसे पर्सन रहे जो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, जो प्रेसिडेंट भी रहे, और जो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे, क्लियर है बात समझ में आया इतना, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्राप्त करता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। रिया कह रही है सी आर्टिकल 20, श्योर है रिया? आर्टिकल 22, 16, 20 एंड 25, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बहुत ध्यान से सोचो, इक्वालिटी है और इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक ही आता है, तो सी कैसे हो गया? हम लोग बोलते हैं ना पहला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ या विधि के समक्ष समानता।
आर्टिकल 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, बर्थ प्लेस एक्सेट्रा. आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आ गया आंसर, है ना? सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सी नहीं बल्कि बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा. आर्टिकल 17 क्या कहता है? एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता या छुआछूत का. आर्टिकल 18 क्या कहता है? तो आर्टिकल 18 कहता है एंड ऑफ टाइटल्स, यानी कि उपाधियों का अंत. क्लियर है? तो भाई आर्टिकल 16 में आपके इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट जो है वो आपके ये आएगा या आता है. ठीक है. अच्छा, कैन समवन टेल मी व्हाट इज आर्टिकल 22? कोई बताएगा आर्टिकल 22 क्या है? एनी आइडिया? आर्टिकल 22 क्या है? नो आइडिया? ठीक है बेटा, आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि गिरफ्तारी और बंदी बनाए जाने से संरक्षण. ठीक है, मतलब ये कि भैया आपकी पुलिस दरवाजे पे खड़ी हो आपको अरेस्ट करने के लिए, उस टाइम पर भी आपके पास कुछ फ्रीडम्स है, कुछ फंडामेंटल राइट्स है, ये वो बताता है आर्टिकल 22. ठीक है, आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के दोष सिद्धि, करण के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्वेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस, ये आर्टिकल 20 के अंडर में आता है. आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को एक्सेप्ट करने, किसी भी धर्म को उसका प्रचार प्रसार करने, किसी भी धर्म को केवल फॉलो करने की जो राइट है वो आपके आर्टिकल 25 के अंडर में आती है. क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आ गई? ओके, ठीक है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट टू डेमोक्रेटिक स्टेट. देखो ज्यादातर सीपीओ में क्या इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं. ये 2013 का क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट टू डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक पार्ट. राधे राधे, कैसे हैं आप? ओके, चलिए करेक्ट आंसर करते हैं. आपका करेक्ट आंसर होगा डेट्रोटिज्म इज द राइट आंसर. करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम. किसने कहा था कि अगर कहीं पर कानून नहीं है तो आपके कोई फ्रीडम, कोई स्वतंत्रता भी नहीं है. यह भी एसएससी सीपीओ 2013 का क्वेश्चन है. बेंथम ने, लेनिन ने, मार्क्स ने या लॉके ने? करिए आंसर. ए बेंथम ने. और कोई? ए आ रहा है लोके ने. वेरी गुड, सही है.
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर. लॉके ने बेसिकली आपके ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई अगर कहीं पर कोई कानून नहीं है, लॉ नहीं है, मतलब वहां पर कोई फ्रीडम भी नहीं है. ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है. ये एसएससी सीपीओ 2013 का क्वेश्चन है. पहला स्टेटमेंट है वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है. चीफ जस्टिस या सीजीआई जो है वो राष्ट्रपति को शपथ या पद दिलवाते हैं. जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ खाली हो जाता है तो सीजीआई राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करता है. सीजीआई 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ही अपने पद पर बना रह सकता है. क्या लग रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? Any idea regarding this question? B, Chief Justice of India, राष्ट्रपति को शपथ या पद दिलाते हैं. ये सही नहीं है. This statement is not correct. Really? करिए answer. बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही नहीं है. करेक्ट आंसर होगा आपका ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट को करता है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति. आर्टिकल 124 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा और आर्टिकल 214 से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा. तो आपका पहला स्टेटमेंट बस सही नहीं था, बाकी सब सही था. बी सही था, ए इज अ राइट आंसर. ठीक है, ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ फिलॉसफी दैट द वर्कर्स शुड शेयर इन इंडस्ट्रियल डिसीजन इज टर्म्ड एज. डीपीएसपी का क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 2014 का. कह रहा है एक दर्शन जिसे श्रमिक को औद्योगिक निर्णयों में साझा करना चाहिए उसे डैश कहा जाता है. करिए आंसर. इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, वर्कर सोवरेनिटी, इंडस्ट्रियल सोशलिज्म, वर्कर डिक्टेटरशिप. एनी आंसर्स? ए, वेरी गुड. करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है. इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के नाम से जो है वो इसे जाना जाता है. अपने डीपीएसपीज में भी ये कहा गया है कि मजदूर वर्ग का ऐसे ही कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए कि वो उनके मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर पाए. ये डीपीएसपी से था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बेटा. अगेन स्टेटमेंट 2014 एसएससी सीपीओ. व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट. भैया जब उपराष्ट्रपति आर्टिकल डैश वो आप बताओगे मुझे के हिसाब से जब प्रेसिडेंट के पद पर कार्य करता है तो वो ऑल पावर्स एंड फंक्शन ऑफ बोथ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट. भैया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जितने सारे काम है सबको करेगा. गेट ऑल अलाउंसेज एंड privileges ऑफ द प्रेसिडेंट. राष्ट्रपति पद की जितनी सैलरी जितने अलाउंसेज है वो सब मिलेंगे उस टाइम पर उसको. शुड कंटिन्यू टू वर्क एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. क्योंकि भैया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का भी सभापति होता है तो वो आपके चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का भी जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी करेगा. अब आपको बताना है इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट के हिसाब से वो सही है. सही स्टेटमेंट निकालने हैं. कोई भी दो स्टेटमेंट, कोई तीन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट, क्या लग रहा है?
डी ऑल नहीं बेटा, करेक्ट आंसर देखो वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों को हैंडल करेगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। उसको सारे अलाउंसेस सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे राष्ट्रपति पद के, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन वो चेयरमैनशिप ऑफ राज्यसभा के पद को हैंडल करेगा, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए यहां पर आपका जो आंसर आएगा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। सोचो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितनी गलतियां कर रहे हो, और ये किसी और का नहीं एसएससी सीपीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सो इस बैच की डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई है, आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो ताकि एक सही गाइडेंस सही चीजों के साथ आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर पाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज, राष्ट्रपति सरकार में राष्ट्रपति होता है विधानमंडल से स्वतंत्र, विधानमंडल पर निर्भर या फिर न्यायपालिका पर निर्भर या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य। करिए आंसर, नो आंसर्स, ओके। ये भी 2014 एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है एंड द करेक्ट आंसर इज विधानमंडल से स्वतंत्र। तो जब भी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है तो भैया उसका लेजिस्लेचर से ऐसा कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट वाला पार्ट है जहां पे आपके पावर्स जो है ना वो राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं। तो ज्यादातर जब सेशन नहीं चल रहा होता है ये उस केस का केस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पॉपुलर वीटो इज फाउंड इन, लोकप्रिय वीटो द्वारा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की वीटो के द्वारा संविधान की विधि में चेंजेस किए जा सकते, बताइए कहां से लिया गया है इस बात को। ये एक बेसिकली लोकप्रिय वीटो वाला पार्ट है, ये बहुत डेप्थ का क्वेश्चन है, मतलब अगर ये क्वेश्चन है तो क्या लग रहा है आंसर करिए। डन, ओके, करेक्ट आंसर देते हैं, द राइट आंसर इज स्विट्जरलैंड इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सो हियर वी कंप्लीट दिस क्लास, ये था आपका एसएससी सीपीओ का जो कोर्स है, बेसिकली उसकी क्लासेस को हम कुछ इस पैटर्न पर रन करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट हमारे एप्लीकेशन पर आप ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे इसी टाइम पर यानी कि 4 बजे एसएससी सीपीओ के इस नए बैच कोर्स में। टिल देन थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए, थैंक यू एंड बाय बाय।